गुलरेज तो बाहर क्या कर रहे हो? चलो ना चले, चलो चलो चलो। I want all of you to meet गुलरेज। Oh, गुलरेज। ऐसे नहीं, उस तरह इंट्रोड्यूस करवाओ जिस तरह कॉलेज में करवाती थी, वरना। अच्छा मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। गुलरेज मरी के बादलों में से छन छन कर आने वाली सुनहरी धूप जैसा है, जो कभी नजर आती है और कभी छुप जाती है। गुलरेज पहाड़ों के चरवाहों के किसी गीत जैसा है, जिसकी धुन की आवाज कभी पास महसूस होती है और कभी गायब हो जाती है, और फिर इसकी मिठास आपके दिल में उतर जाती है। वे, वे। इतना घुमा फिरा क्यों रही हो, सीधे सीधे बोलो ना। ये वो चक्कर है जो तुम चला ना सकी। चलो गुलरेज, इन सबको तो सिर्फ अंजू संभाल सकती है। वैसे अंजू गई कहाँ है? खैर तुम तो चलो ना, सामान रखो। मैं उसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? कहीं वो ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की खुशी की वजह से तो नहीं कर रही? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूना ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। लवली, और इस बात का ख्याल तुम्हें आज आ रहा है जब शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए? यार जहां तक मैं जानता हूँ किसी ऐसी फैमिली से नहीं है जहाँ बेटियों पर जबरदस्ती अपने फैसले थोसे जाते हैं, मनवाए जाते हैं। वो जमशेद काफी जहादीदा। नहीं माजिद भाई, हमारे लोग जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, जितने भी बाशऊर कहलाने लगे, जहां बात औरत और उसकी मर्जी की आती है, हमारी सारी रोशन ख्याली धरी की धरी रह जाती है। यहाँ तो आज तक औरत की मर्जी को बेहयाई तस्वुर किया जाता है, और उसकी पसंद नापसंद पूछना लोग अपनी तौहीन समझते हैं। मैं भले सोसाइटी का हिस्सा बन चुका हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रूना को अपने सामने बिठा के खुद उसकी मर्जी पूछना चाहता हूं। अल्लाह मियाँ, अब आप ही कोई गैबी मदद भेजे।